हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारा चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। जो कल जब पूजा मैंने की थी, पूजा वाले सारे बर्तन को मैं धो रही हूँ। पीतल वाले जितने बर्तन थे सभी को मैं यहाँ पर धो लूँगी और धो कर अच्छे से इसे सुखा कर रख दूँगी। तो धोकर मैं इसे पंखे में रखूंगी। और आज तो बहुत पानी पड़ रहा है, बाहर तो बिल्कुल ही एकदम पूरा इतना ज़ोरों से पानी पड़ रहा है। तो सुबह सुबह जब उठी थी तो पहले झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह घर में हो गई है और स्नान वगैरह भी हो गई है हमारी। और जो पूजा वाले थे, जो कल मैंने पूजा की थी, वहाँ पर जितने हैं से सफाई भी की और धोई हूँ सब। और इसके बाद स्नान वगैरह करके इसके बाद बर्तन में लग गई हूँ। बर्तन नहीं धोई थी तो ये बर्तन मैं पीतल वाले बर्तन सभी को धो लूँगी। इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी आज। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ ना मेरे साथ कि मेरे हाथों में आपने देखा होगा कि मेहंदी नहीं लगा होगा। तो हुआ क्या कि जब बाज़ार में गई थी तो मैं तो लाना भूल गई थी मेहंदी। तो बच्चों से मैंने मेहंदी को मंगाया था, तो जब बच्चे ला कर दे दिए तो उस टाइम मैंने चेक नहीं की थी, रख ली। और जब रात के समय में लगाने बैठी ना तो देखा कि ये कलरफुल मेहंदी है, हरा कलर का। मुझे बहुत ही ख़राब लगा ये हरा कलर का। और हाथों में ना हरा कलर का गजब मेहंदी था, पूरा ख़राब मेहंदी था, हरा हरा एकदम हो रहा था। और हरी कलरफुल मेहंदी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं दो ही अंगुली में लगाई थी और लगाने के बाद देखा कि इसका रंग ही अलग है, हरा कलर है। तो उसे मैंने पूरा का पूरा फेंक दी क्योंकि मुझे नहीं लगाना है ऐसा कलरफुल। मुझे रेड लाल कलर का जो होता है मेहंदी वही पसंद है मुझे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ आज छोले और भटूरे। तो छोले और भटूरे मैंने कई बार बनाई हूँ, तो ये मैंने सीखा है यूट्यूब से ही। तो कहते हैं ना, यूट्यूब जिंदाबाद, वही है कि यूट्यूब से हर कोई सीख जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गमले कठौती में, इसे हम लोग कठौती बोलते हैं, आप लोग क्या कहते होंगे बोलिएगा ज़रूर। तो इस कठौती में मैंने लिया है मैदा ली थी और थोड़ा सा सूजी लिया है। और सूजी लेने के बाद उसमें दही भी डाला है थोड़ा सा, और उसमें फिर घी मैंने डाला, और अभी घी मैंने डाली हूँ। और थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा जो रहता है वही डालिएगा। और थोड़ा सा नमक डाली हूँ और इसको अच्छी तरह से पहले मिला लूँगी मैं। तो ये भटूरे का आटा है, और भटूरे का आटा ही इसे किस तरह से भटूरे का आटा बनाया जाता है, मतलब इसका किस तरह से हम लोग भटूरा बनाएंगे, तो वही आपको दिखा रही हूँ। मैं इसी तरह से बनाती हूँ और कुछ नया तरीका देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मिला ली हूँ। और देखिए, ये आलू को भी मैं इसे मैंज कर इसमें डाल दूंगी। अच्छे से मैंजना है क्योंकि गुलठी नहीं रहना चाहिए इसमें, नहीं तो फिर नहीं फूलेगा आपका। तो इसे अच्छे तरह से मैंज कर इसमें अच्छे तरह से मिलाना है, और मिलाकर इसे अच्छे से गूँथ लूँगी। और इसमें मैंने हल्का सा घी डाला था, आप इसमें रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। घी था मेरे पास तो घी थोड़ा सा डाल के मैंने बना दी, क्योंकि ज़्यादा रिफाइंड का यूज़ मैं नहीं उतनी करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने घी डाला है। और जब आटा बिल्कुल ही मिल जाए तो इसे पानी हल्का हल्का डालकर इसे गूँथ लूँगी पहले। तो हो गया मेरा आटा तैयार, और इसे मुलायम गूँथना है, बिल्कुल ही मुलायम। तो देखिए, मुलायम मेरा गूँथ गया है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेकर चारों पट्टी, मतलब इसके ऊपर से इस तरह से लगा लेना है। मैंने घी का उपयोग फिर किया है, इसमें घी का ही प्रयोग किया है। तो रिफाइंड ऑयल हो आपके पास तो रिफाइंड ऑयल भी लगाइए इसे, और लगा कर इसे कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दी थी मैंने।
और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, कुकर चढ़ा दी हूँ मैंने। अब मैं यहाँ पर ही बनाने जा रही हूँ छोले, और छोले में मैंने तेल डाला है, और तेल डालने के बाद इसमें तेज पत्ता, जीरा और कस्तूरी मेथी इसमें थोड़ा सा हल्का क्रश कर लें इसे, और इसमें डाल दें। और इसके बाद मैं इसमें, जब हमारा ये चटक जाए तो उसमें हल्का इसमें मिर्चा डाल देना है। और मैंने मसालों में मैंने पीस रखा है सारी जो मसाले रोज़ पड़ते हैं सब्जियों में, वही मसाले मैंने पीस रखा है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी हूँ प्याज, और प्याज डालकर इसे भूरा कलर होने तक इसे भून लूँगी। और जब ये भूरा कलर हो जाए तो इसमें हम मसाले डाल देंगे। और ये मसाले मैं जो सभी सब्जियों में डालती हूँ वही सारे चीज़ें इसमें हैं। एक्स्ट्रा में इसे मैं बाद में बताऊँगी कि इसमें मैंने एक्स्ट्रा में कौन से मसाले डाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कटा हुआ टमाटर भी है जो इसमें मैंने ऐड कर दी हूँ। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद इसे थोड़ा सा गलने देना है हल्का नमक डालकर, क्योंकि मैंने छोलों में भी नमक डाली थी और उबाल रखी हूँ। तो छोले में मैंने हल्दी और हल्का नमक डालकर कुकर में मैंने 6-7 सीटी लगा रखी हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने जब छोले बना रही थी ना, तो एक चीज़ मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई थी। इसमें एकदम पतले पतले पीसेस में मैंने इसमें आलू भी अभी डाला है, अभी तुरंत डाला था मैंने, स्किप हो गया, देखिए है ना। तो आलू भी थोड़ा थोड़ा पीसेस में करके मैंने इसमें डाला है। तो आलू और छोले, मतलब छोले में आलू भी ऐड करके मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनता है, और बहुत ही टेस्टी लगा था, हम लोग खूब खाए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैमरा वहीं पर रखा हुआ है लेकिन डालते समय ना चालू नहीं की हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने छोले भी डाल दी हूँ और चालू नहीं की हूँ, और देखती हूँ कि चालू मेरा कैमरा है ही नहीं, तो मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, कुछ भी ना छूट जाता है मुझसे। तो यहाँ पर मैंने छोले भी डाल दी हूँ और कैमरा चालू बिल्कुल नहीं था। देखिए, यहाँ पर मैंने चम्मच में डाला है 1 चम्मच छोले मसाला डाला है, क्योंकि छोले मसाला के बिना तो ये छोले बिल्कुल ही टेस्टी नहीं लगेंगे। तो छोले मसाले बगैर तो छोले बिल्कुल ही टेस्टी नहीं रहते, तो इसलिए छोलों में तो छोले मसाले ज़रूर ही पड़ते हैं। और इसे डालकर, पानी डालकर, जितना आप गढ़ा या झोर यानी मतलब ग्रेवी आप रखना चाहो उतना पानी आप डाल सकते हो। और 1-2 सीटी मैंने लगाई थी इसके बाद, और ये आ जाइए यहाँ पर भटूरे में। तो देखिए, मैं भटूरे किस तरह से बेल कर बनाती हूँ। मुझे ना ऐसे बेलकर बनाने में आसानी पड़ती है इसीलिए बनाती हूँ। और ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस समय, क्योंकि मैं उतनी नहीं बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ ये सारी चीज़ें, बाकी बनाती हूँ ज़रूर। तो बच्चों ने मन था बच्चों का, तो ये बनाती हूँ, तो यूट्यूब से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैं धीरे धीरे करके बेल कर बनाती हूँ। तो उतनी तो नहीं बनाती हूँ कि एक्सपर्ट हूँ, तो इसी तरह से मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसी तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं बेल कर धीरे धीरे बेल लेती हूँ, और बेल कर गोल। और पहले मैंने दोनों में रिफाइंड ऑयल लगा ली थी, और इसके बाद ही मैं इसमें इसे बेलूँगी। और इस तरह से बेल लेना है देखिए। और इसके बाद जब हमारा तेल पूरा गर्म हो जाए तभी इसमें भटूरे डालें, नहीं तो हमारा, जानते हैं, भटूरे फूलेगा ही नहीं अगर कम गर्म रहेगा तो। ना ही मुझे ज़्यादा गर्म करना है, ना ही कम गर्म करना है, ऐसा गर्म होना चाहिए कि इसमें भटूरे डालते ही फूल जाए। तो ये देखिए, मेरा फूली भटूरे तैयार है। तो मेरा सारे भटूरे फूले थे, इसी तरह से मैं बाकियों को भी
बना लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए है ना, तो मेरा भटूरा तो भूल गया, चलो मुझे आ गया बनाने भटूरे और छोले। तो देखिए यहाँ पर तैयार है मेरा आज का नाश्ता, छोले भटूरे प्याज और अचार। तो उसके बाद मैं खाना वगैरह करने के बाद मैं देखिए बाहर का आपको दिखा रही हूँ नज़ारा। तो ये देखिए यहाँ पर जो पौधा देख रहे हैं ना छोटा, और ये देखिए घास, हरी हरी घास इतना ही दूर रहता है, पूरा फैल जाता है लेकिन मैं फैलने नहीं देती हूँ, उतना ही दूर रखती हूँ उसे। हर बार कवार देती हूँ, कवार के बिक देती हूँ आधा दूर से, उतना ही दूर रखती हूँ, नहीं तो पूरा में फैल जाएगा ये घास और फिर डर लगता है अंदर छुपने का कोई चीज़। और यहाँ पर देखिए ये पेड़, तीन पेड़ लाए हैं हस्बैंड, सुबह सुबह ही तीन पेड़ लाए थे। देखिए एक गुलाब का है जो यहाँ पर लगाए हैं, और वही लगाए हैं लाकर वही लगाए थे, और ये पता नहीं किस चीज़ का है, और ये भी एक पेड़ है जो अभी लगाए नहीं हैं, इसे भी लगाना है मुझे, तो लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक था फ्रेंड, बाय बाय।